स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल कार मैकेनिक में। दोस्त, आज आए हैं हम लोग अशोक लेलैंड का BS4 गाड़ी पे। तो देखेंगे आज ये वाला जो गाड़ी है इसमें क्या प्रॉब्लम है नहीं है। तो लास्ट तक देखिए, बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा इस वीडियो पे। तो चलिए पहले चाबी ऑन कर लेते। देखिए दोस्त, अभी चाबी ऑन कर लिए तो यहाँ पर देखिए जो MIL जो लैम्प है वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो चलिए एक बार गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे। देखिए दोस्त, अभी गाड़ी स्टार्ट है। स्टार्ट होने का बाद भी देखिए जो MIL जो लैम्प है वो जल रहा है। तो देखेंगे पूरा एक्सेलेटर पेडल दबा के उसका जो RPM है वो कितना तक जा रहा है। तो देखिए जो एक्सेलेटर पेडल है उसका पूरा दबा दिए, तो दबाने के बाद उसका जो RPM है वो 2700 तक जा रहा है। ठीक है, तो उसका जो RPM है वो तो ठीक ठाक ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किस लिए जो MIL जो लैम्प है, जो मिड लैम्प है, वो क्यों जल रहा है वो देखना है। ठीक है, तो चलिए पहले उसका जो स्कैन टूल है, तो अभी स्कैन टूल लगा हुआ है तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है। तो वो देखने के बाद आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर व्यू DTC पे जाना है, तो जाने के बाद यहाँ पर जो जो कोड है वो सब कुछ दिखाएगा। तो ये देखिए, ये जो जितना सारा कोड है ये यहाँ पर इनएक्टिव कोड है। ठीक है, WF का है, और ये वाला देखिए ब्रेक स्विच का है। और उसके बाद देखेंगे कौन सा फॉल्ट कोड एक्टिव है। ये देखिए, ये वाला जो फॉल्ट कोड है वो कूलेंट टेम्परेचर का है। तो और एक तो जो फॉल्ट कोड है वो भी देखेंगे वो कौन सा वाला है। तो ये देखिए, ये भी जो है वो ये भी कूलेंट का ही है। तो चलिए अभी जो उसका जो ब्रेक स्विच काम नहीं कर रहा है वो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, वो जो EDC का जो ब्रेक स्विच है वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए आपको लाइव पैरामीटर पे जाके उसको चेक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर जो ब्रेक दबाने से ही यहाँ पर वैल्यू चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज नहीं हो रहा है। और अभी देखिए हम आ चुके हैं वो जो इंजन है उसका ऊपर। तो यहाँ पर जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर ये देखिए लगा हुआ है, तो उसको खोल के हम चेंज करने वाला हूँ अभी। तो चलिए उसका जो कपलर है उसको अभी हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद वो जो कूलेंट का जो सेंसर है जो लगता है उसको हम खोलेंगे। तो देखिए हम कैसे उसको खोल रहे हैं। तो ऐसे भी आप खोल के भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी खोलने के बाद चेंज करेंगे। तो देखिए इसका जो कपलर है वो तो हम खोल दिए, तो खोलने के बाद उसका जो सेंसर है उसको हमको खोलना पड़ेगा। तो चलिए वो सेंसर को खोलने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्त, अभी हम उसका जो सेंसर है उसको हम खोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से जब खोलने का समय, तो यहाँ से थोड़ा सा कूलेंट भी गिरता है। तो हम कैसे लगा रहे हैं ये वो एक बार देख लीजिए। देखिए इसका जो कूलेंट है वो गिर रहा है। तो ऐसे करके हम उसका जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है उसको हम लगा दिए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको भी लगाना होगा। तो देखिए मेरा जो सेंसर है वो लगा दिए पूरा उसका, और कपलर जो लगता है उसको ठीक से हम लगा दिए। तो लगाने के बाद ये देखिए जो ब्रेक स्विच है ये हम चेंज कर दिए। उसके बाद देखिए मैं ब्रेक दबाने के बाद देखिए जो उसका जो पैरामीटर है वो चेंज हो रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं जो उसका ड्राइवर सीट के पास। तो अभी एक बार गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ वो जो मिड लैम्प जो जल रहा था वो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो चलिए अभी देख सकते हो मेरा जो गाड़ी है वो स्टार्ट है। तो स्टार्ट होने के बाद देखिए जो पहले जो MIL लैम्प जो जल रहा था, मिड लैम्प जल रहा था, वो अभी नहीं जल रहा है। और RPM देख लीजिए, उसका जो RPM है पूरा 2700 तक ही जा रहा है। और दोस्त वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके